नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विराट कोहली की ये टीम है और इस पर सभी की नजरें पहले आईपीएल से हमेशा से रही हैं, और विराट जब से कप्तान हुए हैं तो इस टीम के फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में उम्मीद अब की बार है कि विराट ट्रॉफी लेकर आएंगे, लेकिन वो लगातार मैचेस हार रहे थे। आखिरकार दूसरे फेज में उन्हें पहली जीत अब मिल गई है। मुंबई इंडियंस को उन्होंने 55 रनों से मात दे दी है। ऐसे में आइए देखते हैं कि ऐसे कौन पांच से बड़े कारण रहे जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस को उन्होंने इस मुकाबले में मात दी है। तो सबसे पहले कारण पर और सबसे बड़े कारण पर बात करेंगे तो वो उसमें नाम आएगा ग्लेन मैक्सवेल। ऑलराउंडर परफॉर्म जिस तरीके से उन्होंने किया है आज, उन्होंने विराट कोहली के साथ साथ आरसीबी के फैंस का दिल खुश कर दिया है। पहले तो आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, गजब के रिवर्स और स्विच हिट लगाए और छक्के पे छक्के जड़ दिए और शतक पूरा किया। उसके बाद जब गेंद थामी तो उन्होंने दो विकेटें भी निकाल दी। इसके अलावा फील्ड पर रहे तो उन्होंने कैच भी लिया, मतलब आज वो पूरे मैच में छाए रहे। इसी का नतीजा रहा कि उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा आरसीबी की जीत का। दूसरे कारण पर बात करेंगे तो कप्तान विराट कोहली का नाम यहाँ पर खुद आता है। दरअसल विराट कोहली टच में वापस आ गए हैं। पिछले लंबे समय से उनका फॉर्म खराब था, लेकिन इंग्लैंड सीरीज पर उन्होंने लगातार अर्धशतक लगाकर ये बता दिया था कि अब वो फॉर्म में आ रहे हैं, और उसी फॉर्म को उन्होंने आईपीएल में भी जारी रखा है। लगातार दो हाफ सेंचुरीज वो लगा चुके हैं, मतलब ये दर्शाता है कि विराट कोहली अब बड़ी पारी खेलने के लिए बहुत जल्द तैयार है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के मैच में उनकी ये पारी बहुत ही निर्णायक साबित हुई, और उन्होंने ओपनिंग जोड़ी में जिस तरीके से देवदत्त पडिलकर के आउट होने के बाद जिस तरीके से परफॉर्म किया वो काबिले तारीफ था। और ये दूसरा कारण रहा जिसकी वजह से आरसीबी को इस मैच में जीत का स्वाद चखना पैच जिसकी वजह से आरसीबी ने इस मैच में जीत का स्वाद चखा। तीसरे कारण की बात करेंगे तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, उतना ही जितना ग्लेन मैक्सवेल का योगदान इस मैच में रहा। नाम हर्षल पटेल, और नाम के सामने लिखा जाएगा इनके आज के मैच में हैट्रिक, और हैट्रिक में नाम लिखा जाएगा किनके विकेट हुए, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड और राहुल चहर। ऐसे वक्त में हैट्रिक ली जब ये लग रहा था कि कायरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या अब अपना गियर चेंज करके मुंबई के पाले में मैच ले जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने 17वें ओवर में आते ही पहली और दूसरी तीसरी गेंद पर लगातार विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की। इसके साथ ही इन्होंने 4 विकेट लिए और मैच में शानदार प्रदर्शन किया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका ये प्रदर्शन टीम को जीत दिलाने में बेहद ही कारगर साबित हुआ। वहीं अगर चौथे कारण की बात करेंगे तो यहाँ पर नाम आएगा युजवेंद्र चहल का। ये वही युजवेंद्र चहल हैं जिनको भारत ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम में शामिल नहीं किया है, लेकिन आज जब इनका आप बॉलिंग फिगर देखेंगे तो भौचक्के से रह जाएंगे आप। 4 ओवर 1 मिडन 11 रन और विकटें हैं इनके खाते में 3। तो और इसके अलावा अब कहने का कुछ बचता नहीं है, जब इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस हो तो आप आंख मूंद कर उसे एक बड़ा कारण बता देंगे किसी भी टीम की जीत का। तो ये चौथा कारण रहा युजवेंद्र चहल जिसकी वजह से आरसीबी इस मैच में जीता। वहीं अगर पांचवें कारण की बात करें तो नाम आएगा यहाँ पर फिर से एक बार विराट कोहली का, लेकिन इस बार उनकी बल्लेबाजी का जिक्र यहाँ नहीं होगा, इस बार जिक्र होगा उनकी यहाँ पर कप्तानी का। दरअसल आज जब दो प्लेयर, एक तरफ रोहित शर्मा और एक तरफ विराट कोहली थे, तो सबकी नज़रें ये इसी पर थी कि कप्तानी कैसे होगी, क्योंकि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ देंगे, उसके बाद रोहित शर्मा कप्तान होंगे। ऐसे में सबकी नज़रें थे कि इस मैच में दोनों प्लेयर किस तरीके से कप्तानी करते हैं। विराट कोहली ने बेहद ही शानदार तरीके से कप्तानी की। उन्होंने जिस तरीके से अपने गेंदबाजों को आज रोटेट किया वो दर्शाता है कि वो कप्तान के तौर पर बेहद ही परिपक्व हैं। एक ट्रॉफी उनके खाते पर नहीं है, बस यही उनके कप्तानी पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आज के मैच में कप्तानी की है, कहना गलत नहीं होगा कि विराट कोहली की उस कप्तानी की वजह से आज उनकी टीम को इस मैच में इतनी बड़ी जीत मिली है और पॉइंट टेबल में वो तीसरे नंबर पर काबिज होकर प्लेऑफ की तरफ चल निकले हैं। खैर, आप बताइए विराट कोहली और आरसीबी की जीत का कारण क्या रहा, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं।